पर माइक भी टूट गया क्या मेरा? टूट गया माइक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं धमाका सिंह और आप देख रहे हैं विश्व का सबसे खतरनाक न्यूज नेटवर्क धमाका न्यूज। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की थर्ड वेव चल रही है इस समय इंडिया में, तो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं कि क्या लोगों ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, या लोग ऐसे ही बस बैठे हुए हैं मस्ती। तो ऐसे ही एक महिला है जिनका नाम मखना बताया जा रहा है, तो हम उनके घर जा रहे हैं आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने। जुड़े रहिएगा हमारे। जी आप हमें ये बताइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में, हमारे देश में थर्ड वेव चल रही है जिसमें बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीन बहुत सालों से बोली जा रही है कि वैक्सीन लगवाइए वैक्सीन लगवाइए। तो आपको क्या लगता है, वैक्सीन लोगों को लोग क्यों नहीं लगवा रहे? आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? सही है, वैक्सीन लगवाना चाहिए, पर लेकिन क्यों इतना सब लोग डर रहे हैं? मेरे घर में भी सबने लगवा लिए वैक्सीन। तो आप बोल रही हैं कि लोग इतना ज्यादा डर रहे हैं, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन लोग क्यों डर रहे हैं, क्या इस बारे में आप कुछ जानती हैं? आजकल एक अफवाह फैली है कि वैक्सीन लगवाने कोई तो क्या कहते हैं टीवी नहीं देख पा रहा है, कोई उड़ नहीं पा रहा है, कोई खाना भी नहीं खा पा रहा है, और कोई कोई तो खेल भी नहीं पा रहा है, और कोई तो सो भी नहीं पा रहा है। जी तो क्या ये सब सच है? हाँ सच ही है। नहीं तो मतलब अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या ऐसा सचमुच में हो रहा है? जैसा कि आपने कहा कि मेरे घर में भी बहुत से लोगों ने लगवाया, तो क्या आपके लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? लोग चल नहीं पा रहे, लोग खाना नहीं खा पा रहे, लोग उड़ नहीं पा रहे, क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है हमारे घर में। तो ये क्या चीजें हैं? जी ये सब एक अफवाह है। तो ऐसा कुछ है नहीं सच में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सच में। ओके, आप मखना जी, क्या आप कुछ हमारे दर्शकों को जो आपकी तरह घर में घरेलू महिलाएं हैं, क्या आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे या फिर कुछ वैक्सीन के बारे में बताना चाहेंगे कि वैक्सीन हमें क्यों लगवानी चाहिए, कुछ उसके फायदे हैं, क्या आप जानती हैं उन फायदों को? यस, और वैक्सीन लगवाने से ना पहले सबकी डेथ हो जा रही थी वैक्सीन नहीं थी, तो अब जब वैक्सीन सबको लग रही है तो उससे ना उनकी डेथ नहीं होती है। कोरोना तो होता है पर उनसे डेथ नहीं होती है उनकी। ठीक है, और कुछ फायदे कोरोना वैक्सीन लगवाने से? हमें इम्यून पावर मिलता है। जैसे कि आपने देखा है, इनको वैक्सीन लगवाने से इम्यून पावर मिलती है, वैसे इम्यून पावर होता है। अब हम इस इंटरव्यू का अंत करते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे वैक्सीन से जुड़ा हुआ, वहाँ कैमरे पे देखकर बोलिए। मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि आप लोग वैक्सीन जरूर 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 लगवाइए, इससे बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। तो ये थी मखना जी, जिनसे हमने सवाल जवाब किए, वैक्सीन लगवाना ठीक है कि नहीं। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां भी दी कि वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए और क्यों लगवानी चाहिए, ये भी इन्होंने बताया। लेकिन एक सेकंड, हम एक बात तो पूछना भूल ही गए कि क्या इन्होंने वैक्सीन लगवाई है। तो चलिए हम पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। तो आइए, तो मखना जी, अरे मखना जी एक सेकंड, आप कहाँ भाग रही हैं? तो ये कुर्सी से पता नहीं क्यों खड़ी हो गई हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं। मखना जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा आप हमारे ऑडियंस को बताइए। नहीं नहीं सर, मुझे बहुत ही डर लगता है वैक्सीन से, मैं नहीं लगवाई हूँ। क्या क्या आपने वैक्सीन नहीं लगवाया? नहीं सर, आपने वैक्सीन नहीं लगवाया कोरोना का? नहीं। मारो इसको, मारो। तो देखिए पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार, मेरा यहाँ पर माइक भी टूट गया क्या मेरा? टूट गया माइक वाइक भी मेरा। कैसे कैसे लोग हैं मतलब यहाँ पर? हाँ तो बड़ा घटिया औरत थी ये, तो मुझे लगा ये वैक्सीन लगवाई होगी।